आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शालीमार एनक्लेव में बुधवार से पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। इसको लेकर आचार्य श्री 108 श्री गेय सागर जी महाराज व मुनिश्री 108 ज्ञात सागर जी महाराज के साथ अंत समिति आशयमती माता जी ने अपनी वाणी से प्रवचन देकर पंच कल्याणक महोत्सव में धर्म लाभ लेने को कहा है। भक्तों का कहना है कि 8 से 14 दिसम्बर तक होने वाले पंच कल्याणक मान स्तंभ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। प्रत्येक दिन पूजा अर्चना के साथ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर श्रावकों में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। धन से भी राग, परिवार से भी राग, वस्तु से भी राग। आज हमारे बीच आर्य का 1 से 5 आसमती माता जी द्वारा पंच कल्याणक में होने वाले पात्र के बारे में इन इंद्राणियों को क्या फल मिलता है उसके बारे में संक्षिप्त समझाया जा रहा है। उसके तत्पश्चात आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन होंगे। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन शालीमार एन्क्लेव में 8 तारीख से 14 तारीख तक के बीच में पंचकर्णक महोत्सव होने वाला है। ये मंदिर आचार्य ज्ञान सागर महाराज की प्रेरणा से बना है। उन्हीं के शिष्य सप्तम पट्टाचार्य गेय सागर महाराज के सानिध्य में ये पंचकर्णक होने वाला है। शालीमार एन्क्लेव में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पास 17 साल बाद पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है। इस कार्यक्रम में बुधवार को हीरालाल बैनारा परिवार के साथ ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद कर्मयोगी कमला नगर में घट यात्रा निकाली जाएगी। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।